जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट VVI क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होने वाला है। साथियों, आपने पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने से कितना पढ़ाई किया है आपको आज की इस वीडियो से पता लग जाएगा, क्योंकि अभी से 2 दिन जो समय बचा हुआ है एक भी नए क्वेश्चन को नहीं देखने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन जिसको हमने आप सभी को पहले पढ़ा रखा है उसको अब हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, वह सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। साथियों, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि रिवीजन है, तो रिवीजन में थोड़ा सा भी समय नहीं देना है। जितना हो सके आज की इस वीडियो में टारगेट है कि 100 क्वेश्चन को देखना है, 100 क्वेश्चन को देखना है। और आपकी तैयारी किस तरह की है, किस लेवल की है, आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि कितना प्रश्न, मतलब 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 9 की मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। चलिए, आप सभी को बताना है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। सवाल नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वह ऑप्शन हो जाएगा 1971 ईस्वी में। मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो कब लागू की गई थी, तो वो 1971 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 10 कि खाद ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। चलिए, आप सभी को बताना है कि खाद ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि खाद ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं, कैलोरी में माप सकते हैं। तो सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 12 कि SI पद्धति में लेंस की शक्ति क्या होगी, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होगी। चलिए, आप सभी को बताना है सवाल नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो SI पद्धति में लेंस की शक्ति का जो इकाई होता है वो डायोप्टर होता है, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 13 कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप सभी को बताना है कि डेसिबल का उपयोग हम किस में नापने के लिए हम करते हैं, डेसिबल का उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं, आप सभी को बताना है। सवाल नंबर तक का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप सभी जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा है कि देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा रुककर आप सभी को बता दें कि 2 दिन बाद आप सभी का एग्ज़ाम है। ठीक है ना, तो आप सभी क्या कीजिएगा, आप एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने जाइएगा तो सबसे पहले आप फिजिक्स को ही हिट कीजिएगा, सबसे पहले आप फिजिक्स को ही अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिएगा, सबसे लास्ट में आप मैथ बनाइएगा। ठीक है ना, मैथ क्वेश्चन को सबसे लास्ट में देखना है, क्योंकि मैथ जो होता है वो टाइम टेकिंग होता है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन में अगर आपका दिमाग घूर गया, अगर एक भी क्वेश्चन आपका दिमाग को मतलब टाइम वेस्ट करा दिया, मतलब वो क्वेश्चन में फंस गए आप, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का वाट लगना तय है। इसलिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको पहले देख लेना है, उसके बाद मैथ देखना है। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम का तरीका पता हो जाना चाहिए, क्योंकि एक 90 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, तुक्का मारने को भी आप सभी को हमने बता दिया है कि तुक्का कैसे मारना है, तुक्का मारने का भी तरीका आप सभी को हम बता दिए हैं। 90 क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन आप हिट करके आइए ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको आमंत्रित कर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 15 के यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक होगा। चलिए, सवाल नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि यंग प्रत्यास्थान गुणांक का SI मात्रक होगा। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो सवाल नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 16 की निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। चलिए, सवाल नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए, बल एवं दाब जो है ना, बल एवं दाब इस यौगिक का, इस भौतिक राशियों का जो समान विमीय सूत्र नहीं होता है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 24 की त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में कौन सा होगा। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, त्वरण ज्ञात करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं त्वरण का फॉर्मूला होता है ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, वो होता है ए बराबर यू बाई टी होता है। तो सवाल नंबर 24 का जो सही सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 2 की प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है। बहुत सारे छात्र इस तरह के कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन कराइए। देखिए बिहार पॉलिटेक्निक में जो लेवल का आता है वही आप लोगों को हम करा रहे हैं। थ्योरी में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल थोड़ा सा हार्ड पूछता है और न्यूमेरिकल का भी लाएंगे। यह अभी थ्योरी है, थ्योरी एक 200 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल देख लेंगे और उसके बाद मैथ देख लेंगे। मैथ का आप सभी को त्रिकोणमिति का दम एक 100 क्वेश्चन को लेकर आएंगे और उसके बाद सूत्र के साथ, ठीक है ना। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सवाल नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की हो जाएगी, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 4 की पार्श्विक इकाई होती है। चलिए आप सभी को बताना है कि पार्श्विक किसकी इकाई होती है। चलिए आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि दूरी का इकाई होती है पार्श्विक। तो सवाल नंबर 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार आप सभी से पूछ रहा है कि सवाल नंबर 5 की लुमेन किसका मात्रक होता है। चलिए आप सभी को बताना है कि लुमेन किसका मात्रक होता है, आप सभी को बताना है। तो लुमेन जो मात्रक होता है वो ज्योति फ्लक्स का होता है, ज्योति फ्लक्स का एसआई यूनिट लुमेन होता है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 16 कि क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी किसकी इकाई है, आप सभी को बताना है क्यूरी किसकी इकाई है। तो आप सभी जानते हैं कि क्यूरी जो इकाई है वो है रेडियो एक्टिव धर्मिता का, वो जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है। सवाल नंबर 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 7 की दाब का मात्रक होगा, सवाल नंबर 7 की दाब का मात्रक होगा, दाब का मात्रक क्या होगा आप सभी को बताना है। चलिए दाब का मात्रक क्या होगा आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि दाब का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है पास्कल, वो होता है पास्कल, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 8 की कैंडला किसका मात्रक होता है, कैंडला किसका मात्रक होता है, आप सभी को बताना है कैंडला किसका मात्रक होता है। सवाल नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि कैंडला की इकाई जो होती है वो ज्योति तीव्रता होती है, वो जो होती है वो ज्योति तीव्रता का होती है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 25 की पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सवाल नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की जो मापी जाती है, जिससे प्राप्त की जाती है उस भौतिक राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान से हम संवेग और वेग के अनुपात को हम माप सकते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 26 की शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की का। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सवाल नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। चलिए सवाल नंबर 26 का, तो आप सभी जानते हैं कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु जो होती है वो समान त्वरण होती है, वो समान त्वरण होती है। तो सवाल नंबर 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 27
कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल होगा, दोलनों का आवर्तकाल होगा। तो चलिए सवाल नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि एक लड़की झूले पर बैठी है, अगर झूला झूल रही है और अचानक वो खड़ी हो जाए तो दोलन की जो आवर्तकाल होगी वो कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो सवाल नंबर 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 28 की घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए सवाल नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है कि घूर्णन करती एक गोल मेज है, गोल घूर रही है एक टेबल, तो वह अचानक उस पर एक लड़का बैठ जाता है, तो उस टेबल का कोणीय वेग का पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए आप सभी को बताना है, आप सभी को बताना है। तो उस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो कम होने लगेगा, वो घूर्णन जो गति है वो कम होने लगेगा। उस घूर्णन गति पर अगर कोई, उस घूर्णन टेबल पर अगर कोई लड़का आकर बैठता है तो वो कोणीय जो वेग है वो कम होने लगेगा, वो घूरने का जो गति लगेगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 30 के किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार अंतर होता है क्योंकि, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार अंतर होता है। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है, सवाल नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। तो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, उसके द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार उसमें परिवर्तन होती रहती है, तब सवाल नंबर 30 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 31 की किसी भी स्थित या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो, यह किस न्यूटन के कौन से लॉ में बताया गया था। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक बाहरी बल सक्रिय नहीं हो, यह न्यूटन के कौन से लॉ में बताया गया है। चलिए आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी बाहरी बल में जब तक उसमें कोई सक्रिय एक्टिव ना हो तो उसकी आंतरिक बल और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगी, यह न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताया गया है, यह न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताया गया है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 31 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 32 कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। चलिए क्या होगा आप सभी को बताना है सवाल नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होती है, वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो सवाल नंबर 32 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 33 कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के कौन से लॉ में बताया गया है, यह न्यूटन के कौन से लॉ में बताया गया है आप सभी को बताना है सवाल नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सवाल नंबर 33 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, न्यूटन की गति के तृतीय लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ में बताया गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। चलिए आप सभी को बताना है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। सवाल नंबर 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के जो नियम है वो थर्ड लॉ के कारण यह संभव है, थर्ड लॉ के कारण यह संभव है। तो सवाल नंबर 34 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 35 क्या पूछ रहा है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है, यह कौन किसके कथन है, यह किस कौन से वैज्ञानिक का कथन है। चलिए सवाल नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। चलिए
चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सवाल नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी पिंड का तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उसकी बाहरी बल में कोई हरकत न हो। यह जो कहा गया है यह वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है और न्यूटन ने बताया था यह न्यूटन के फर्स्ट लॉ में यह बताया गया था, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 36 की न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए आप सभी को बताना है कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चार ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से कौन सा कथन सत्य है आप सभी को बताना है। चलिए कौन सा कथन सत्य होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार जो कथन होगी वो है प्रथम नियम के अनुसार बल की परिभाषित करती है जबकि यह सही है। यहाँ पर बी में बताया जा रहा है कि द्वितीय नियम से बल की व्यंजक मतलब फोर्स की ज्ञात की जा सकती है तो यह भी सही है। सी में बताया जा रहा है कि तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत के प्रतिपादित किया जाता है ये भी सही है। ओवरऑल बात किया जाए तो सवाल नंबर 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सवाल नंबर 36 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 37 की किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। चलिए सवाल नंबर 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए किसी भी पिंड के गुणधर्म को हम क्या कहते हैं जबकि उसकी सीधी रेखा में विराम एक समान गति में स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है तो वह जड़त्व करती है। किसी भी परिवर्तन एक समान गति के विरोध करती है तो वह जड़त्व करती है। तो सवाल नंबर 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 38 की न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहती है। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। न्यूटन की फर्स्ट लॉ क्या बदलती है, ए संवेग संरक्षण, सॉरी बोलना नहीं है डायरेक्ट फास्ट है। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जो बताया जाता है वो बताया जाता है जड़त्व के नियम बताया जाता है। तो सवाल नंबर 38 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 39 की गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ जाता है। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा सवाल नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल होने के कारण गाड़ी को घोड़ा आगे की ओर खींचता है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है आप सभी को बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चार ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सवाल नंबर 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी पक्षी कौन सी पक्षी है आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 41 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन दिया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटी जो पक्षी होती है वो होती है हमबिंग, तो सवाल नंबर 41 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 46 की दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाती है। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दो या दो से अधिक मिश्रण को हम क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि दो या दो से अधिक मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो सवाल नंबर 46 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 47 कि ज्वरनाथक वह दवा है जो, ज्वरनाथक वह दवा है जो, चलिए आप सभी को चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि ज्वरनाथक वह दवा है जो शरीर के ताप को कम करती है, शरीर के ताप को कम करती है। तो सवाल नंबर 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 48 की बोरिक अम्ल है, बोरिक अम्ल है, चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन देखकर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि बोरिक अम्ल है वो है मृदुल प्रतिरोधक होगी। सवाल नंबर 48 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 49 कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका आयनन विभव सबसे कम है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका आयनन विभव सबसे कम है। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे कम जो आयनन विभव होती है वो किस में होती है, वो होती है सीएस में, वो होती है सीएस में। तो सवाल नंबर 49 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 50 कि धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं। चलिए चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि धूल और ग्रीस की सतह को साफ करने वाले पदार्थ को हम अपमार्जक कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। तो सवाल नंबर 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 41 आप सभी से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सरल मशीन को नहीं दर्शाता है। चलिए आप सभी को बताना है, चार ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा एक सरल मशीन को नहीं दर्शाता है। तो आप सभी जानते हैं कि वाष्प इंजन जो है एक सरल मशीन को नहीं दर्शाता है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 11 कि एक उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी F1 के बीच एक वस्तु को रखा जाता है तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब का प्रकार कैसा होगा। चलिए चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। चलिए तो देखिए, एक उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी F1 के बीच में रखा जाए तो उसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब आभासी आवर्धित और सीधा बनेगा, उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें प्रतिबिंब बनेगा आभासी आवर्धित और सीधा बनेगा। तो सवाल नंबर 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 10 में कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.25 मीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी। चलिए सवाल नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है, फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सवाल नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए रिवीजन में इतना स्पीड अगर आप नहीं बता पा रहे हैं रिवीजन में तो आपका विकेट गिर जाएगा, समझे, विकेट गिर जाएगा आप सभी का। रिवीजन में अगर आपका स्पीड रहना चाहिए, रिवीजन में आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपके पास 2 दिन टाइम है, कितना अभी तक सही कर पा रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.25 मीटर है तो इसकी शक्ति बताइए। चलिए शक्ति बताइए कितना होगा, तो शक्ति जो हो जाएगा वो 4 डायोप्टर हो जाएगा, शक्ति जो हो जाएगा वो 4 डायोप्टर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि जल एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है तब तक उसका प्रतिबिंब उनके ऊपर ही बनता है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। चलिए आप सभी को बताना है कि जल एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब अपने ही ऊपर बनता है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। चलिए चार ऑप्शन दे रखा है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। जब
जब एक अवतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखते हैं तो उसका अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताना है। फोकस दूरी निकाल कर आप सभी बताइए, तो वो निकल कर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। वो निकल कर कितना आ जाएगा आप सभी का, तो सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, वो हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि एक विशेष ऊंचाई से एक रबर की गेंद को गिराने का गिरना किसका उदाहरण है। एक विशेष ऊंचाई से एक रबर की गेंद का गिरना किसका उदाहरण है। चलिए सवाल नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दे रखा है, आप सभी को बताना है कि एक विशेष ऊंचाई से एक रबर की गेंद का गिरना किसका उदाहरण है। तो वो है एक समान त्वरण का, वो है एक समान त्वरण का, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सूर्य से अधिकतम दूर ग्रह है, सूर्य से अधिकतम दूर ग्रह है। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सवाल नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य से अधिकतम जो दूर ग्रह है वो है वरुण, वो है वरुण, वो है वरुण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 2 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान है लगभग। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र का तापमान कितना है, पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर है आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 2 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, आप सभी हमें यह भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि यह स्पीड जो है, इतना स्पीड में हम लोग आज की रिवीजन वीडियो जो चला रहे हैं, क्या यह स्पीड सही है या इससे थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, आप सभी ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। आप सभी ज़रूर बताइएगा क्योंकि यह सभी क्वेश्चन को हमने करा चुका है, ठीक है ना। यह कई वीडियो में हम लोग यह क्वेश्चन को देख चुके हैं, इसलिए आप सभी को सिर्फ याददाश्त को एक्टिव करने के लिए हम लोग यह क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इतना स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जबकि करा चुके हैं 2-2 बार 3-3 बार, तो यह क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से याद ही होगा, फिर इसलिए हम लोग रिवीजन थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, और नहीं तो स्लो ही चलते, पहले जैसे चल रहे थे उसी तरीका के चलते हैं स्पीड में, ठीक है ना। लेकिन यह सभी रिवीजन है और पहले कई बार कई वीडियो में दिखा चुके हैं, आप सभी को बता चुके हैं, तो इसलिए रिवीजन में इतना स्पीड है। आप सभी बताइएगा कि यह स्पीड जो है सही है या इससे और स्लो चाहिए, आप बताइएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि इंद्रधनुष इस दिशा में बनता है, इंद्रधनुष जो है कौन सी दिशा में बनता है आप सभी को बताना है, आप सभी को बताना है कि इंद्रधनुष कौन सी दिशा में बनती है। तो सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा कि सूर्य की दिशा के विपरीत, तो सूर्य की विपरीत दिशा में बनती है इंद्रधनुष, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8 की आंख में क्रिस्टलीय लेंस होती है। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है, सवाल नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है कि आँख में क्रिस्टलीय लेंस दे रखा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि द्वि उत्तर लेंस होती है आंखों में, क्रिस्टलीय लेंस जो होती है वो द्वि उत्तर लेंस की होती है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 7 की जल में एक गोलिए बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा, जल में एक बुलबुला, जल में एक गोलिए बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा। चलिए 4 ऑप्शन दे रखा है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है कि जल में एक गोलिए बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा। तो आप सभी जानते हैं कि जल में एक गोलिए बुलबुला जो है वो अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा, वो अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा। तो सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 6 की प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है। काफ़ी बार हम आप सभी को यह क्वेश्चन को पढ़ा दिए हैं, यह क्वेश्चन को काफ़ी बार आप सभी को हम पढ़ा दिए हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि यह क्वेश्चन काफ़ी VVI है, ठीक है ना। चलिए आप सभी को बताना है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है आप सभी को बताना है।
आप सभी को बताना है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रोड्यूसर गैस जो है CO प्लस N2 का है, CO प्लस N2 का मिश्रण है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 5 की निम्नलिखित ऊर्जा की इकाई में कौन सी सबसे बड़ी है, निम्नलिखित ऊर्जा की इकाई में कौन सी सबसे बड़ी है। चलिए आप सभी को बताना है, 4 ऑप्शन दे रखा है, आप सभी को बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा की इकाई में सबसे बड़ी जो है वो है किलोवाट घंटा, वो है किलोवाट घंटा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। साथियों यह सभी जो क्वेश्चन था काफ़ी VVI है, यह सभी जो क्वेश्चन है थ्योरी के फिजिक्स में जो थ्योरी होती है वो यह सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी VVI है। बिहार पॉलिटेक्निक में इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा, एक सीरीज और लेकर आएंगे उसमें और 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो 100 क्वेश्चन होंगी, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग 70 क्वेश्चन को देखे हैं, 70 क्वेश्चन को देखे हैं। 70 क्वेश्चन में आप सभी कितने क्वेश्चन को लगभग कितने क्वेश्चन को सही किए हैं आप हमें फटाफट कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और यह रिविज़न का स्पीड क्या इस तरह का रहेगा, सही है या इससे और स्लो चाहिए, आप सभी ये भी बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई सीरीज़ में, जब तक के लिए जय हिंद।